ओके, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन के रेट को कौन कम करता है, ज़्यादा करता है। दैट मीन्स फैक्टर कौन कौन से होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। कौन कौन सा फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन के रेट को है ना कम बेस करता है। केमिकल नेचर ऑफ डिट्रैक्टर्स, पहला जो होगा केमिकल नेचर नेचर ऑफ डिट्रैक्टर्स, केमिकल नेचर ऑफ डिट्रैक्टर्स फर्स्ट। कैसे डिट्रैक्टर्स, ये केमिकल नेचर ऑफ डिट्रैक्टर्स किस तरह से डिकम्पोजिशन रेट को कम बेस करता है देखते हैं, है ना। अगर डिट्रैक्टर्स में रिच हो, रिच इन क्या हो, लिग्निन, काइटिन और टेनिन, लिग्निन है ना, काइटिन और टेनिन, इस तरह से ये सब्सटेंस ज़्यादा हो, इसका डिट्रैक्टर्स में लिग्निन, काइटिन और फिर टेनिन्स इस तरह से, या फिर सेल्यूलोज, या फिर सेल्यूलोज का अमाउंट ज़्यादा हो, रिच इन लिग्निन, काइटिन, टेनिन, सेल्यूलोज, ये सब अगर ज़्यादा हो तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है वो स्लो होता है, ये जो है टफ होता है डिकम्पोजिशन, इसका टफ होता है। यहीं पे अगर रिच इन नाइट्रोजनस कंपाउंड हो, रिच इन नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड, देन यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रेट होगा वो ज़्यादा होगा। दैट मीन्स किस तरह का केमिकल नेचर है उस बिहाब पे क्या होती है डिकम्पोजिशन, धीरे या फिर फास्ट कैसे होती है। अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड है तो फास्ट होती है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है तो भी डिकम्पोजिशन फास्ट होती है ना। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस अगर होगा, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस अगर होगा तो भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा होंगे इस तरह से। तो हम लोग को ध्यान में रखना है केमिकल नेचर, केमिकल नेचर किस तरह से है ना, केमिकल नेचर वाइज क्या होती है डिकम्पोजिशन होता है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर्स हम लोग देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को क्या करता है, कम बेस करता है, इफेक्ट करता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन, यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है इंक्रीज कर जाता है, एक्टिविटी, ये पे जो एक्टिविटी होती है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी जैसे ही इंक्रीज करेगा इस टेम्परेचर पे, मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो डिकम्पोजिशन रेट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एज ए डिकम्पोजर होता है। तो यहाँ पे जैसे ही इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी इनकी रेट बढ़ जाएगा। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर होती है 3 to 4 months तक अगर होती है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 3 to 4 months इस तरह से टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे चांसेस होती हैं है ना डिकम्पोजिशन का रेट ज़्यादा हो जाता है। यहीं पे लेस देन 10 डिग्री अगर होगा, लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होगा तो एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
डिक्रीज कर जाएगा, जिस वजह से डिकम्पोजिशन रेट भी घट जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन रेट घट जाएंगे। तो टेम्परेचर का इस तरह से इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर हमारा है मॉइस्चर, मॉइस्चर थर्ड, ये मॉइस्चर है ना। मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा डिकम्पोजिशन रेट उतना ज़्यादा होगा, ओके। अगर ऑप्टिमम है तो रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन, हाई या फिर लो है तो डिकम्पोजिशन कम हो जाता है। मॉइस्चर ऑप्टिमम अगर हो है, ऑप्टिमम अगर मॉइस्चर है तो यहाँ पे क्या होती है, डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा होता है। रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम ऑप्टिमम मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन, रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन है ना, प्रॉपर डिकम्पोजिशन के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर हाई या फिर लो मॉइस्चर कंटेन हो तो डिकम्पोजिशन रेट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स मॉइस्चर ऑप्टिमम होना ज़रूरी है ना, प्रॉपर डिकम्पोजिशन के लिए। हाई या फिर लो मॉइस्चर होती है तो डिकम्पोजिशन रेट क्या हो जाता है, घट जाता है। ये इम्पोर्टेंट रोल है ना। नेक्स्ट हमारा जो होगा एरेशन होगा, एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है एरोबिक कंडीशंस में डिकम्पोजिशन का रेट ज़्यादा करता है। हवा के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रेट जो होता है ज़्यादा होता है। एनारोबिक कंडीशंस में डिकम्पोजिशन रेट क्या होती है, कम हो जाती है। तो थर्ड मॉइस्चर था, फोर्थ में हम लोग देखेंगे एरेशन। फोर्थ फैक्टर जो है एरेशन, हवा जिसको बोलते हैं एरेशन, एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, कहाँ पे, एरोबिक कंडीशंस में या फिर एनारोबिक कंडीशंस में। एक कंडीशंस होगा एरोबिक कंडीशंस में और दूसरा होगा एनारोबिक कंडीशंस में। एरोबिक कंडीशंस में क्या होती है, डिकम्पोजिशन रेट इंक्रीज होता है, इंक्रीज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इंक्रीज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डी से मैं मेंशन करता हूँ। एनारोबिक कंडीशंस में जो होती है डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ये यहाँ पे फैक्टर है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग मेंशन करेंगे, क्वेश्चन है फर्स्ट सिचुएशन है लो टेम्परेचर है, उसके अलावा एरोबिक कंडीशंस है, एरोबिक कंडीशंस है एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है क्या है, वार्म टेम्परेचर है, ह्यूमिड कंडीशंस है, वार्म टेम्परेचर है, ह्यूमिड कंडीशंस है। तीसरा सिचुएशन है लो टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशंस है और ह्यूमिड कंडीशंस है। फोर्थ कंडीशंस है लो टेम्परेचर एनारोबिक कंडीशंस, लो टेम्परेचर और एनारोबिक कंडीशंस। इस तरह से लो टेम्परेचर एनारोबिक कंडीशंस है।
डिकम्पोजिशन रेट कहाँ पे कम होगा, जिस वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिक रिमेन्स का जो अमाउंट होगा ज़्यादा होगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, या फिर सिंपल पूछ सकता है डिकम्पोजिशन रेट कहाँ पे कम होगा, डिकम्पोजिशन रेट कहाँ पे कम होगा। तो अभी अभी हम लोग टेम्परेचर के रिगार्ड बात किए, टेम्परेचर लो या फिर हाई होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, डिकम्पोजिशन रेट घट जाएंगे। लो टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन रेट घट जाएंगे, एरोबिक कंडीशंस में डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट चांस, फर्स्ट ऑप्शंस में इस तरह से है, लो टेम्परेचर जहाँ पे डिकम्पोजिशन रेट घट रहा है, एरोबिक कंडीशन जहाँ पे डिकम्पोजिशन रेट बढ़ रहा है, वार्म कंडीशंस यहाँ पे डिकम्पोजिशन रेट बढ़ेगा, ह्यूमिड इन्वायरमेंट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन रेट इंक्रीज़ करेगा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे लो टेम्परेचर पे, लो या फिर हाई पे क्या होती है, डिकम्पोजिशन घट जाता है, तो यहाँ पे भी घट जाएंगे, ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगा तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रेट इंक्रीज़ कर जाएंगे। लो टेम्परेचर है यहाँ पे भी डिक्रीज़ करेगा, एनारोबिक कंडीशंस डिकम्पोजिशन रेट यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो सबसे बेहतर डिकम्पोजिशन रेट स्लो कहाँ पे होगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सूटेबल है, दोनों जगह क्या हो रही है, दोनों कंडीशन है ना डिकम्पोजिशन के लिए अनसूटेबल है। दैट मीन्स ऑर्गेनिक रिमेन्स यहाँ पे क्या होंगे, वैल्यू इंक्रीज़ होगा, लो टेम्परेचर में डिक्रीज़, एरोबिक कंडीशंस में इंक्रीज़, है ना, वार्म टेम्परेचर इंक्रीज़, ह्यूमिड में इंक्रीज़, लो टेम्परेचर इंक्रीज़, ह्यूमिड में इंक्रीज़, लो टेम्परेचर में डिक्रीज़ करेगा, लो टेम्परेचर में डिक्रीज़ और एरोबिक एनारोबिक कंडीशंस में डिक्रीज़। तो ये कंडीशंस क्या होगा, डिकम्पोजिशन रेट क्या होंगी यहाँ पे, इन सारे में फोर्थ ऑप्शन में डिकम्पोजिशन रेट क्या होंगे, डिक्रीज़ कर जाएगा, है ना, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीज़। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगे। ओके, हम लोग डिट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स दोनों में थोड़ा डिफरेंस करेंगे, क्या होता है दोनों में डिफरेंस। पहला हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस, डिफरेंसेस पहला डिट्रीवोर्स और दूसरा हमारा होगा डिकम्पोजर्स, दोनों में डिफरेंसेस। है ना, तो डिफरेंसेस हम लोग करेंगे इन दोनों का। यहाँ पे डिट्राइवोर्स जो होता है ये एनिमल्स होता है, ये इंजेस्ट करता है डिट्राइटस को, ये यहाँ पे एनिमल्स होती है। डिट्रीवोर्स क्या होता है, एनिमल्स होता है जो इंजेस्ट करता है डिट्राइटस को, इंजेस्ट डिट्राइटस, इसको ये इंजेस्ट करता है, ये एनिमल्स होता है। बट डिकम्पोजर्स की अगर बात करें, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है कहाँ से, डिट्राइटस से, डिट्राइटस से ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है और डाइजेस्टिव इंजाइम का सेक्रेशन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इंजाइम सेक्रेशन करके डाइजेस्ट करके उसको इंजेस्ट कर लेता है। दैट मीन्स ऑप्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डिट्राइटस, ऑप्टेन न्यूट्रिशन from detritus and they are secreting enzymes, ये enzyme का secretion करता है। okay, दोनों में examples हम लोग देखेंगे detritivores और decomposers में। तो यहाँ पे detritivores में क्या आ जाएगा, अर्थवर्म है ना, ये फॉर्मर्स फ्रेंड होता है,
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, फार्मर्स फ्रेंड, ये फार्मर्स फ्रेंड होता है, अर्थवर्म मिट्टी को लूजनिंग करता है और ह्यूमस में कन्वर्ट करता है, ओके। और ये जो डिकम्पोजर होता है ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और फंजाई होता है। एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये दोनों होता है ना। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होता है? डिकम्पोजर्स होता है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।